Welcome to Only IS. So this is a good news for India because Kulbhushan Jadhav's death sentence has been suspended by International Court of Justice. ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि कुलभूषण जाधव के ऊपर जो एक केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था जिसमें कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के एक मिलिट्री कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। उस केस में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खारिज कर दिया है। इंडिया ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था कि पाकिस्तान के द्वारा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया है और भारत को इस केस में कंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया के इस आर्ग्यूमेंट को भी स्वीकार किया है और पाकिस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया को कंसुलर एक्सेस दे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को यह भी हिदायत दी गई है कि वो कुलभूषण जाधव के केस में अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करें। अब इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को सस्पेंड कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा? दूसरा सवाल, अगर कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनकी मौत की सजा को खारिज कर सकता है तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को आजाद कर दे? पॉइंट नंबर 3, ये पूरा इशू क्या है? पॉइंट नंबर 4, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? पॉइंट नंबर 5, ये वियना कन्वेंशन क्या है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे हम आज के इस सेशन में। शुरुआत करते हैं आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फोरा वाले टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुलभूषण जाधव हैं कौन। आप में से सभी लोग निश्चित तौर पर इन्हें जानते होंगे, फिर भी औपचारिकता कर देते हैं। कुलभूषण जाधव 49 ईयर ओल्ड एक रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। इन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का आरोप यह है कि कुलभूषण जाधव को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे बलूचिस्तान में। उनकी इलीगल एंट्री पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर भारत का आर्ग्यूमेंट यह है कि पाकिस्तान के द्वारा कुलभूषण जाधव जी को ईरान से एबडक्ट किया गया है, यानी कि उनका अपहरण किया गया है। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट जिसे FGCM कहा जाता है, फुल फॉर्म है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, इस कोर्ट के द्वारा कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्टेड कन्फेशन, मतलब उनसे कन्फेशन करवाया गया था। ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आपके पास आपकी गिरफ्त में हो तो। FGCM के बारे में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट है इसमें पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और जो आर्मी ऑफिसर्स इस कोर्ट में अपना जजमेंट दे रहे होते हैं उनके पास लॉ डिग्री का होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि वो लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट नहीं होते, फिर भी उन्हें लीगल जजमेंट्स देने का पूरा अधिकार होता है। इंडिया ने इन चार्जेस को पूरी तरीके से खारिज किया जो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के वर्डिक्ट में लगाए गए थे। इंडिया ने साफ साफ अपना आर्ग्यूमेंट सामने रखा कि जो इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव जी हैं ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट में ईरान में गए हुए थे और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा कुलभूषण जाधव जी को वहीं से एबडक्ट किया गया है। उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद क्या स्टैंड निकल के आया? इंडिया ने कंसुलर एक्सेस की मांग की कुलभूषण जाधव के इस केस में जब उन्हें मौत की सजा पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के द्वारा सुना दी गई। इंडिया ने आर्ग्यूमेंट दिया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है क्योंकि कुलभूषण जाधव के खिलाफ जब केस चलाया जा रहा था तो उन्हें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, ट्रायल के दौरान उनकी बातों को अच्छी तरीके से नहीं सुना गया। इंडिया ने पाकिस्तान के इस क्लेम को भी खारिज किया कि कुलभूषण जाधव ने अपनी स्पाई होने की बात को कन्फेस किया है क्योंकि निश्चित तौर पर इसे जबरदस्ती कन्फेशन में लाया गया था। तो 100 बातों की एक बात, इंडिया ने उस कन्फेशन को ही रिजेक्ट कर दिया जिसके बेसिस पर कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी। अब ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक कैसे पहुंचा जिसकी आज हम चर्चा कर रहे थे। जब पाकिस्तान ने कंसुलर एक्सेस ग्रांट करने से मना कर दिया कुलभूषण जाधव के केस में, कंसुलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि हर देश में एक तो एम्बेसी होती है किसी भी दूसरे देश की, दूसरे कॉन्सुलर्स भी होते हैं। कॉन्सुलर्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कॉन्सुलर एक्सेस देने से जब इनकार कर दिया गया और ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें किसी भी समय एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तब इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएगा और इसके बाद मई 8 2017 में ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहुंच गया। अपनी प्ली में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाया या ये आर्ग्यूमेंट्स रखे कि यहां पर
बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया है। एग्रीग्यूसली का मतलब होता है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया। एट द सेम टाइम कुलभूषण जाधव के केस में इंडिया को कंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया। मई 18, 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया कि जब तक केस चल रहा है तब तक वो कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। व्हाट हैव इंडिया पाकिस्तान आर्ग्यूड एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो क्या आर्ग्यूमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा दिए गए। इंडिया का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सिंपल था और दो ब्रॉड ग्राउंड्स पर था। पहला तो पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है और बार बार कहने पर भी कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। दूसरा जो ये प्रोसेस था केस का उसमें सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन कुलभूषण जाधव को नहीं दिया गया। हरीश सालवे जो कि इंडिया की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की नोटोरियस मिलिट्री कोर्ट की फंक्शनिंग पर भी क्वेश्चन मार्क्स रेज किए। उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि कुलभूषण जाधव से ज़बरदस्ती कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया गया है जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, तो इस कन्फेशन को और इस मौत की सजा को खारिज किया जाए। इंडिया ने यह भी आर्ग्यूमेंट दिया कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है क्योंकि डिप्लोमेटिक असिस्टेंस नहीं देने दिया गया कुलभूषण जाधव के केस में, कुलभूषण जाधव को मिलिट्री कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तब। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी बात कर लेते हैं जब इतनी सारी बातें चल रही हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। इसे 1946 में स्थापित किया गया था और जब ये 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था तो इसने रिप्लेस किया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी जब लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशन बना था तो उससे अटैच करके प्रिंसिपल या परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की भी स्थापना की गई थी वर्ल्ड कोर्ट के रूप में। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन कोलैप्स कर गया तो फिर ये बॉडी भी कोलैप्स करनी ही थी। यूनाइटेड नेशंस आया तो यूएन चार्टर से अटैच करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बना दिया गया। इसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं। पहला तो अगर दो देशों के बीच में कोई किसी मुद्दे पर विवाद है तो उसे इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर रिजॉल्व करना, और दूसरा ये एडवाइजरी बोर्ड की तरह भी काम करता है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई केस या कोई इशू लेकर इनके पास जाता है तो ये एडवाइज भी करते हैं। टेक्निकली इसका वर्डिक्ट बाइंडिंग होता है, मतलब मानना ही पड़ता है सभी मेंबर स्टेट्स को जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। हालांकि यूएस ने पास्ट में कई बार इनके जजमेंट को नहीं माना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जज होते हैं जिन्हें 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इनका जो इलेक्शन होता है उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वर्तमान में दलवीर भंडारी जो कि इंडियन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं। वो अपने सेकंड टर्म के लिए 20 नवंबर 2017 को चुने गए थे। तो ये कुछ बेसिक बातें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अब बात बार बार आ रही है तो दो बातें वियना कन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ये 1961 की एक ट्रीटी है जो डिफाइन करती है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो देशों के बीच में कैसे होंगे। ये कन्वेंशन इस बात को स्पेसिफाई करता है कि अगर एक देश का डिप्लोमेट दूसरे देश में गया है तो उसे क्या इम्यूनिटीज मिलेंगी। आसान भाषा में समझते हैं, सपोज करिए इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है जो कि एक्चुअली में है, तो इंडिया के एक डिप्लोमेट पाकिस्तान में रहेंगे जो कि इंडिया के एम्बेसडर होंगे। वो बेसिकली इसी एग्जाम से तैयार होकर जाते हैं जिस एग्जाम को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक IFS ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से वो उस एम्बेसडर की पोस्ट पर जाते हैं। उन्हें क्या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिलेंगी इस बात को स्पेसिफाई किया गया है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। एक्चुअली में उन्हें पाकिस्तान के लोकल लॉस के आधार पर उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता, उनका हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, पाकिस्तान को ज़्यादा नाराजगी है तो वो एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पाकिस्तान से। ऐसे ही हर देश में दूसरे देशों के कॉन्सुलेट्स भी होते हैं। जैसे इंडिया का पाकिस्तान में एम्बेसी है वैसे ही इंडिया के कई सारे कॉन्सुलेट्स भी हैं पाकिस्तान में। एम्बेसी एक्चुअली में केवल एक ही होती है लेकिन कॉन्सुलेट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जो एम्बेसी होती है वो केवल डिप्लोमेटिक काम किया करती है जबकि कॉन्सुलेट्स के दो बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला तो एग्जाम्पल के तौर पर ही समझते हैं, जो इंडिया के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं कॉन्सुलेट उनके हितों की रक्षा करेगा। दूसरा काम, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग उन कॉन्सुलेट्स में होते हैं उनके पास कुछ कंसुलर इम्यूनिटीज़ भी होती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ से। मतलब उनके ऊपर अगर उन्होंने कोई लोकल लॉज वायलेट किए हैं तो केस चलाया जा सकता है जो कि डिप्लोमेट्स के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया का पाकिस्तान में अगर उसे हैरेस किया जा रहा है तो वो इन कॉन्सुलेट्स के पास जा सकता है और ये कॉन्सुलेट्स भी मांग कर सकते हैं कि हमें उस व्यक्ति से मिलने दीजिए, बात करने दीजिए। ये सारी बातें कही गई हैं वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस ऑफ 1963 में और इस कन्वेंशन को
डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कन्वेंशन के 2 साल बाद साइन किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के केस में इस ट्रीटी का उल्लंघन किया, जिस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्वीकार भी किया। आज का जजमेंट क्या कहता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज इंडिया के फेवर रूल किया कुलभूषण जाधव के केस में। रूलिंग को हेग बेस्ड कोर्ट ने अफर्म किया कि इंडिया के पास अधिकार है कि वो कुलभूषण जाधव से बातचीत करें, कंसुलर एक्सेस मिलनी चाहिए और पाकिस्तान अपने डिसीजन को रिव्यू करे। कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो मिस्टर जाधव का एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड रहेगा और पाकिस्तान अपने डिसीजन को, अपने जो उन्होंने सेंटेंस सुना रखा है उसे रिव्यू कर सकते हैं। कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। इंडिया ने भी यही अपील की थी कि जो 10 सेंटेंस है उसे एनल कर दिया जाए। जो सेशन था उसे प्रिसाइड किया जा रहा था जो एक जज हैं, अब्दुल कवि अहमद यूसुफ के द्वारा। यहाँ पर एक ट्वीट आपके सामने है, सुषमा स्वराज जी ने इस वर्डिक्ट को अप्रिसिएट किया है, वेलकम किया है, जो कि इंडिया के लिए एक ग्रेट विक्ट्री है, वो ऐसा मानती हैं। अब सवाल है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट के मुताबिक कुलभूषण जाधव को बचा तो लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आज़ाद हो चुके हैं। देखिए, कुलभूषण जाधव के लिए हो सकता है कि अब उन्हें बाकी के समय या अपने जीवन का जो बाकी हिस्सा है वो पाकिस्तान की जेल में बिताना पड़ जाए, जैसे कि हमारे कई सारे इंडियंस पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं स्पाइंग के आरोप में। अब आपके मन में एक बात और भी आ सकती है कि इंडिया फिर से केस कर सकता है ICJ में कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को आज़ाद कर दे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे मुद्दों पर जहाँ पर डोमेस्टिक इशूज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं खुद को दूर रखने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ पर कुछ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के भी मुद्दे आ जाते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉडी किसी देश को कंपेल नहीं कर सकता कि वो किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से इम्यूनिटी दे दें, और कई तरीके के अन्य इश्यूज आ जाएंगे। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मुद्दे पर दूरी बनाकर रखेगा, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो निकल के आएगा वो ये होगा कि इंडिया ये उम्मीद करे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो 10 सेंटेंस स्ट्राइक डाउन कर दिया है उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के आधार पर, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को आज़ाद कर दे, छोड़ दे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान की जेल में कई सारे जो इंडियंस हैं वो अपने अंतिम दिन गिन चुके हैं, उन्हें आज़ादी नहीं मिली। सरबजीत सिंह, जिन्हें बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने 25 साल पाकिस्तानी जेलों में बिताए और वहीं पर अंतिम सांस ली, जबकि पिछली सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, उनके फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी प्रयास किया। रविंद्र कौशिक, जो पाकिस्तान की आर्मी में काफ़ी ऊंची रैंक तक भी पहुंच गए थे, उन्होंने पाकिस्तान में 16 साल बिताए और उसके बाद वहीं पर उनकी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली जो इतिहास है वो कुछ खास होप हमें नहीं देता, फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि किसी भी आधार पर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाए। एक क्वेश्चन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर UPSC ने 2008 में पूछा था, यहाँ पर एक्चुअली में 4 persons को देकर 4 bodies को सामने रखा गया था और उनकी पोजीशन को मैच करने के लिए कहा गया था। नागेंद्र सिंह प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1985 में, तो इस नेचर के क्वेश्चन भी पहले पूछे जाया करते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वियना कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, यूजुअली जब भी हम किसी सेशन को कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक कोटेशन रखते हैं, लेकिन आज मैंने इस कोटेशन को अंत में रख दिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर बात इशू पर हो रही है तो पहले मैं आपको इशू बता दूं। एरिस्टोटल का कोटेशन है, इट इज़ द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। एक पढ़े लिखे दिमाग का ये चिन्ह होता है कि वो किसी ऐसे विचार को भी बड़े आराम से सुन लेता है, एंटरटेन करता है, समझ लेता है, जबकि वो उसे एक्सेप्ट ना भी कर रहा हो तब भी। एक व्यक्ति जो अपनी लॉजिकल एबिलिटी को अच्छी तरीके से रियलाइज नहीं करता, वो ऐसी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं होता, मानता ही नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो समझदार है वो डिसेंटिंग आइडियाज़ को भी सुनने को तैयार हो जाता है, समझने को भी तैयार हो जाता है, एंड दैट इज़ द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड। इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी लाइफ को किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैप कर सकें, बदल सकें, तो वो व्यक्ति कौन होगा? सवाल के जवाब को अपनी डायरी में मेंशन करिएगा, जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, होपफुली आपने बना ली होगी। यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है, होपफुली इस इशू से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।